एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। गणतंत्र दिवस के मौके पर खासतौर से किसान ट्रैक्टर रैली निकालने का जो मकसद था, उसे उन चेहरों ने किसान आंदोलन की आड़ में कामयाब बना लिया जो काफी दिनों से अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में थे। हम आपको उन चेहरों को दिखाएंगे और उनके मंसूबों को सुनवाएंगे भी, लेकिन उससे पहले जानिए कि किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा में अब किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। अराजकता, हिंसा, तोड़फोड़, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, उपद्रवी और लाल किले पर कब्जे की ये तस्वीरें इससे पहले ना कभी देखी होंगी और शायद किसी ने इन तस्वीरों की कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर गणतंत्र दिवस के दिन वो सब कुछ हुआ जिसका किसी को भी अंदेशा नहीं था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली निकालने के आश्वासन के बाद ही उन्हें परमिशन दी थी। जब देश 72वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था तो उसी देश की राजधानी को आंदोलन की आड़ में जलाने की साजिश को अंजाम देने की कोशिश भी की जा रही थी। 62 दिनों से नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में यूपी, हरियाणा, पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान नेताओं के आह्वान पर उनका ये भी रूप देखने को मिला। इन तस्वीरों को ना तो सरकार माफ करेगी और ना ही देश माफ करने के मूड में दिखाई दे रहा है। अब तक की हिंसा में सामने आई तस्वीरों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब तक आंदोलन के नाम पर की गई हिंसा के आधार पर दिल्ली पुलिस ने 22 बेहद ही संगीन धाराओं में उपद्रवियों पर केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए कई संगीन केस, आईपीसी 395, आईपीसी 397 और 120 बी जैसे संगीन धाराएं शामिल। 22 गंभीर धाराओं में उपद्रवियों पर अब तक केस दर्ज हुए हैं। लाल किले में डकैती का भी मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के कोतवाली थाने में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आप ये सिर्फ तस्वीरें विचलित करने वाले, आपको नीचे चलते दिखाते कि किस तरीके से टिकट काउंटर पे तोड़फोड़ की गई और वहाँ पे किस तरीके से स्थिति को जो है खराब किया गया। यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, देखिए ये जो नीचे टिकट काउंटर है ये इसको किस तरीके से तोड़ा गया और यहाँ पे देखिए जो पूरे कांच थे वो अभी भी बिखरे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पूरे कांच अभी भी बिखरे हैं। ये टिकट काउंटर था, यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनका बकायदा टिकट कटता है और उसके बाद फिर वो लाल किला परिसर में जाते हैं और लाल किला घूमते हैं। यहाँ पे देखिए पूरे इस परिसर को तहस नहस कर दिया गया, पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई। यहाँ पे मोटे कांच के शीशे होते हैं, उन शीशों को तोड़ दिया गया है और देखिए अभी तक शीशा बिखरा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप उस सीसीटीवी फुटेज भी, यहाँ पे जितने भी लगे थे सीसीटीवी कैमरे जितने लगे थे सभी को तोड़ दिया गया। और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने के बाद अगर बात करें तो जो उसकी रिकॉर्डिंग है उसको भी तोड़ दिया गया और उसको भी अपने साथ लेकर गए, वॉशरूम तक का तोड़ दिया गया। यानी कि जो तमाम सारे अतताई आए थे, जो तमाम सारे उपद्रवी आए थे, उनका यही मकसद था कि जो भी उनके हाथ लगे, जो भी चीज उनके पास आए, उन सभी चीजों को तोड़ देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। 26 जनवरी के दिन जिन लोगों ने भी इन तस्वीरों को देखा उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर विरोध स्वरूप किसान नेताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालने की मांग की थी जिसके लिए उन्हें तय रूट के साथ परमिशन दी गई थी, लेकिन इसके बाद आंदोलन के नाम पर दिल्ली के अंदर जो नंगा नाच हुआ उसे पूरे देश ने ही नहीं बल्कि दुनिया ने देखा।
किसान आंदोलन के नाम पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हिंसा थी। आंदोलन बेशक किसानों के हितों की आवाज बुलंद करने का रहा हो, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ देश को आग में झोंकने का ही दिखाई दिया। फिर वो आम आदमी के साथ की गई मारपीट हो, या फिर सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ कर उन्हें नुकसान पहुंचाने की तस्वीरें, या फिर देश को दहशतजदा कर देने वाली इन तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट हो। मारपीट की हर तस्वीर बेहद डरावनी और जिस्म में कंपकंपी पैदा करने वाली थी। नांगलोई इलाके में किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। यहां पर किसान आंदोलन के नाम पर दंगा कर रहे उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। उपद्रवियों को पीछे धकेलने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब किसान आंदोलन के नाम पर ट्रैक्टर रैली में शामिल किसानों ने अचानक उपद्रव शुरू कर दिया। और सुरक्षा में तैनात पुलिस टीमों पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे आंदोलन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। किसान आए थे, जितने भी वो लोग आए थे उनके पास ट्रैक्टर थे, उनके पास हाथों में हथियार थे। और देखिए, ये जो शीशे वगैरह टूटे हैं ये काफी मोटे शीशे हैं, ये अमूमन हाथ से नहीं टूट सकते, ये भारी भरकम हथियारों से टूट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना मोटा शीशा है, ये इतना मोटा शीशा हाथों से नहीं टूट सकता, ये भारी भरकम हथियारों से इसको तोड़ा गया। और सभी किसानों को हम लोग देख रहे थे कि उनके हाथों में डंडे थे, मोटे मोटे बड़े बड़े लोहे की रॉड थी। और देखिए, ये सीसीटीवी का जो रिकॉर्ड रहता है उसको किस तरीके से तोड़ के अपने साथ जो रिकॉर्डिंग का बॉक्स होता है उसको ले गए, सीसीटीवी को पूरी तरीके से तहस नहस किया, उसका जो फुटेज रिकॉर्ड होता है उसको अपने साथ ले गए। तो कुछ भी यहाँ पे नहीं बख्शा, बाकायदा पूरे प्लानिंग से आए थे और पूरे प्लानिंग के साथ वो लोग चढ़ना चाह रहे थे लाल किले में, जो तिरंगा जहाँ फहराया रहता है वहाँ पे अपना झंडा फहराना चाहते थे। लेकिन जब वहाँ तक नहीं चढ़ पाए तो उसके नज़दीक में ही अपना जो एक खास पंथ का झंडा होता है उसको फहराया। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो किसानों का जो एक झंडा है उसको फहराया, तो दो झंडे फहराए गए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। क्या पहले से प्लान था उपद्रव? दिल्ली हिंसा के पीछे कितने चेहरे शामिल हैं? गणतंत्र दिवस पर थी हिंसा की प्लानिंग? हिंसा के लिए आंदोलन का लिया गया सहारा? ट्रैक्टर रैली की आड़ में हिंसा की साजिश थी? ये तस्वीरें हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या आंदोलन के नाम पर हिंसा की तस्वीरें बर्दाश्त करने के लायक हैं? क्योंकि इन सवालों के जवाब भी हिंसा की इन तस्वीरों में ही छिपे हैं, जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।